अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी वायरस और एंटीवायरस के हवाले से एमसीक्यूज। तो अगर आप कोई भी टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यूज है वायरस स्टैंड्स फॉर। क्योंकि हम वायरस और एंटीवायरस के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं आज, तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि वायरस जो है वो किसका एब्रीवेशन है। मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बताऊंगी, बाकी सारे जो एमसीक्यूज के ऑप्शंस हैं वो आपने खुद से रीड कर लेने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। अगला सवाल है वायरस इन कंप्यूटर्स आर रिलेटेड टू। हमने ये बताना है कि वायरस असल में होते क्या हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोग्राम्स। एंटीवायरस इज़, आपने बताना है कि एंटीवायरस जो है वो क्या होता है, कोई एप्लीकेशन है, किसी कंपनी का नाम है या कोई प्रोग्राम कोड है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोग्राम कोड। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ, आपने बताना है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हैं वो किसकी एग्ज़ाम्पल हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अ सिक्योर यूटिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वायरस, ऑप्शन ए एमएस डॉस, ऑप्शन बी विंडोज़, ऑप्शन सी एमएस ऑफिस एंड ऑप्शन डी इज़ बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी। वायरस इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, आपने ये बताना है कि वायरस किस जुबान का लफ्ज़ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, लैटिन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस और एंटीवायरस कोई ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में या लैपटॉप में जनरेट नहीं होते, बल्कि ये मैन मेड हैं। तो आपने ये बताना है कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, क्रीपर। फायरवॉल्स आर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फायरवॉल होता क्या है। फायरवॉल एक एंटीवायरस है, तो ये बताना है कि फायरवॉल किस लिए यूज़ होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनऑथराइज्ड अटैक्स, यानी ऐसे कंप्यूटर पे वायरसेस जो अनऑथराइज होते हैं वो अटैक करें तो उसके लिए फायरवॉल्स यूज़ होते हैं। सिक्योरिटी ऑफ अ सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, आपने बताना है कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, थ्रेट मोनिटरिंग, यानी अगर कोई भी कंप्यूटर पे वायरस अटैक करता है तो हमें फ़ौरन से उस थ्रेट को मॉनिटर करना होता है और उसके लिए एंटी वायरसेस इंस्टॉल करने होते हैं जो हमें फ़ौरन से बता देते हैं कि कोई भी थ्रेट जो है कोई वायरस अटैक करने वाला है। अ फायरवॉल, आपने बताना है कि फायरवॉल का क्या काम है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, इट सेपरेट्स अ नेटवर्क इनटू मल्टीपल डोमेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की फंक्शन ऑफ फायरवॉल, आपने ये बताना है कि फायरवॉल का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन सा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मोनिटरिंग। इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स आर यूज्ड फॉर, आपने बताना है कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स किस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन ए सिक्योरिटी पर्पज़, ऑप्शन बी पासवर्ड्स लिस्ट सीक्रेट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ अबव एंड ऑप्शन डी फास्टर एग्जीक्यूशन। तो सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी ऑप्शंस। टू प्रोटेक्ट सिस्टम देयर आर हाउ मैनी लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी, आपने बताना है कि किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने सिक्योरिटी के लेवल्स होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थ्री लेवल्स। डैश मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम मॉडिफिकेशन बाय अननोन यूजर्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटेग्रिटी। अ वर्म सेंड्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू अदर सिस्टम्स, आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, कि एक कोई भी वायरस जो है वो अपनी आपको मल्टीप्लाई करता है और अपनी कॉपी जो है वो दूसरे सिस्टम तक सेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर डज नॉट रेप्लीकेट ऑटोमेटिकली, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्रोजन हॉर्स। डैश डिलीट ऑल द फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट्स, इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वायरस है
जो तमाम फाइल्स को डिलीट कर देता है अगर किसी भी फाइल में ये आ जाए तो. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओवरराइट वायरस. डैश इज आल्सो नोन एज कैविटी वायरस. इसमें ये पूछा गया है कि कैविटी वायरस को और कौन सा नाम दिया जाता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉन रेजिडेंट वायरस. विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योर ईमेल. ईमेल को सिक्योर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पीजीपी. की लॉगर इज, की लॉगर आपने बताना है कि क्या होता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पाईवेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस ओवरटेक कंप्यूटर सिस्टम व्हेन इट बूट्स एंड डिस्ट्रॉय इन्फॉर्मेशन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेल्थ वायरस. टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम हैकर यू शुड टर्न ऑन डैश. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फायरवॉल. विच टाइप ऑफ वायरस एंटर्स थ्रू ईमेल. ऑप्शन ए मैक्रो वायरस, ऑप्शन बी बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन सी राइल इंस्पेक्टर वायरस एंड ऑप्शन डी इज सेल्फ मॉडिफाइंग वायरस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मैक्रो वायरस. हाउ इज अ वायरस ट्रांसमिटेड इन अ कंप्यूटर. ऑप्शन ए बूटिंग अ पीसी बाय एन इन्फेक्टेड मीडियम, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिंग एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम एंड ऑप्शन सी ओपनिंग एन इन्फेक्टेड फाइल. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. इन तमाम तरीकों से कंप्यूटर जो है वो वायरस, उसमें वायरस आ जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय अ कंप्यूटर वायरस. इनमें से कौन सा चीज़ है जो कंप्यूटर वायरस से अफेक्ट नहीं होती. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फाइल्स ऑन सीडी रोम. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज वायरस और एंटीवायरस से रिलेटेड. मज़ीद आप अगर एमसीक्यूज लर्न करना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है और चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना है, जहाँ से आपको मज़ीद इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे.